मैन एंड वुमेन, फिटनेस, हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड रियल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिन सप्लीमेंट के ऊपर। इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि क्रिएटिन सप्लीमेंट क्या है, इसे क्यों यूज किया जाता है, इसे कौन यूज कर सकता है और कौन नहीं, और इसे लेने से क्या क्या फायदा होगा, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, इसे कितना यूज करना चाहिए, कौन सा क्रिएटिन सप्लीमेंट बेस्ट है। तो प्लीज इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिएटिन क्या है। क्रिएटिन हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होने वाले एमिनो एसिड एल-आर्जिनिन ग्लाइसिन के द्वारा चलता है। ये हमारी बॉडी के लीवर में प्रोड्यूस होता है, जिसे हम क्रिएटिन कहते हैं। अब बात करते हैं कि क्रिएटिन हमारी बॉडी में कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, जब हम बिना क्रिएटिन सप्लीमेंट के वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी को नॉर्मली एनर्जी देने वाला एटीपी फंक्शन एनर्जी देते देते धीरे धीरे एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, जिस कारण हमारी बॉडी की एनर्जी खत्म हो जाती है। इस एनर्जी को वापस रिड्यूस करने के लिए ही क्रिएटिन सप्लीमेंट का यूज किया जाता है। और जब हम क्रिएटिन सप्लीमेंट का यूज करते हैं तो ये हमारे लीवर से प्रोड्यूस होकर हमारी बॉडी की मसल्स में चला जाता है और वहां पर पहुंचकर हमारी बॉडी को एनर्जी देने वाले एटीपी फंक्शन के साथ मिलकर उसे एडीपी में कन्वर्ट होने से रोकता है, जिस कारण हमारी बॉडी को लगातार एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती रहती है, जिस कारण हमारा स्टेमिना भी बूस्ट हो जाता है। तो ये था क्रिएटिन का हमारी बॉडी में काम करने का तरीका। अब बात करते हैं इसे लेने से हमें क्या फायदा है और इसे कौन कौन यूज कर सकता है। ये तो आपको पता चल ही गया है कि इसे लेने से हमारी बॉडी की एनर्जी और स्टेमिना बढ़ जाता है और साथ ही ये आपकी मसल्स ग्रोथ को भी बढ़ाता है। तो इसीलिए जो लोग जिम में ज्यादा वेट नहीं उठा पाते हैं या ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, या जो लोग रेस लगाते हैं और जल्दी थक जाते हैं और पुलिस या आर्मी की भर्ती में नंबर लाना चाहते हैं, तो ऐसे सभी लोग अपनी वेट पावर, वर्कआउट टाइमिंग, रेस्ट टाइमिंग बढ़ाने के लिए इस क्रिएटिन सप्लीमेंट का यूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे लेने से हमारी वेट पावर या वर्कआउट रेस्ट टाइमिंग कितनी इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 30 किलोग्राम की बेंच प्रेस लगाते हो तो इसे लेने के बाद आप 40 किलोग्राम की बेंच प्रेस आसानी से लगा लोगे। और ऐसे ही अगर आप 3 किलोमीटर तक दौड़ सकते हो तो आप इसका यूज करने के बाद 4 किलोमीटर तक आसानी से दौड़ लोगे। इस क्रिएटिन सप्लीमेंट का यूज कोई भी कर सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, बट उसकी एज 18 साल से ऊपर की हो और उसे लीवर या किडनी की कोई समस्या ना हो। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। फ्रेंड्स, इसका हमारी बॉडी पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये 100% सेफ एंड नेचुरल है। आप बेफिक्र होके इसका यूज कर सकते हो, बट फिर भी आपको इसका यूज रेगुलर 3 मंथ से ज्यादा नहीं करना है, उसके बाद 1 महीने का गैप देकर दोबारा यूज कर सकते हो। ऐसा करने से आपकी बॉडी भी क्रिएटिन की आदि होने से बच जाएगी। अब बात करते हैं कि कौन सा क्रिएटिन सप्लीमेंट आपको यूज करना है और कितना यूज करना है। फ्रेंड्स, यूं तो मार्केट के अंदर 2100 क्रिएटिन कंपनी है और काफी क्रिएटिन मौजूद है, बट आपको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही यूज करना है। इसकी कई वजह हैं। एक तो ये कि ये क्रिएटिन और क्रिएटिन के मुकाबले सस्ता है। दूसरा ये कि 90% लोग इसे ही यूज करते हैं, क्योंकि इसका अब तक कोई साइड इफेक्ट किसी को नहीं हुआ है और इसके अंदर 99% प्योर क्रिएटिन भी है। तो आप बेफिक्र होके इसे यूज करें। इसका यूज आप दिन में 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक कर सकते हैं।
अगर आप 5 ग्राम यूज करना चाहते हैं, तो इसे आप वर्कआउट या रेस से 20 से 30 मिनट पहले पानी में घोलकर पी लें। और अगर आप चाहें तो वर्कआउट के बाद भी इसे 5 ग्राम ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहीं पर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।